गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सुबह सुबह हो चुका है, नया ड्राइवर के साथ, नया गड्डी के साथ, लेकिन पार्टी अभी बाकी है यार। चलो कोई नहीं, तो कोई नहीं, करेंगे आज शाम को पार्टी करते हैं। चलो पार्टी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई नहीं। तो अभी सेक्टर 3 से हम लोग अभी निकल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी चंडीगढ़ चाइल्ड में, तो ये मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देंगे, फिर उसके बाद ये निकल जाएंगे और मैं भी निकल जाऊंगा। फिर हो सके तो शाम को मैं फिर वापस आऊंगा। वापस आने के बाद उसी हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे, उसी हिसाब से सब कुछ आगे बढ़ेंगे। तो अभी ठंड यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, तो ठंड का मज़ा लीजिए, जैकुजी का मज़ा लीजिए। तो बंदा एक नया ड्राइवर है, तो चलिए हम अभी जीती रोड के साइड में। तो ये जो इलाका है ना, नूबड़े हैं। और देखो ये जो गड्डी अभी जा रहे हैं ना, तो यही हम लोग का जगह थे। तो जब हम पढ़ाई करते थे साथ में, तभी यहाँ से हम लोग भी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जो बसेस रहते थे, तो यहीं पे हम लोग लेते थे। तो वो दिन भी कभी कभी यार याद आ जाते हैं यार। कोई नहीं यार, जो भी हो, बस लाइफ तो ऐसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया फिर साइड में लेके। अरे यार तो आराम से चला, ये नया ड्राइवर है ना, कुछ नहीं आता इसको, ब्रेक भी नहीं कर सकता, रिवर्स करने में इसको बहुत टाइम लग जाता है। अरे यार सच में यार, अरे यार हाँ सच में यार, इसको प्रो बनने में ना, अरे मैं जिस हिसाब से चलाता हूँ उसके लिए इसको प्रो बनने में बहुत टाइम है। चलो कोई नहीं, आराम से सो हो जाएगा। सो दिक्कत नहीं यार, आराम से सीखेंगे। बोलो चाचे दरबार की जय हो। बंदे को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, देखो लाना मिला है, लाना मिल के बस चला रहे। फिलहाल अभी हम लोग जीटी रोड में, ये बस्तन पिपली की इस साइड में हम जा रहे हैं, हरियाणा रोडवेज आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से हम लोग लगभग 3 घंटे की दूरी पे है और अभी हम सीधा जा रहे हैं थोड़ा आगे। बंदे को 60 तक आता है मैक्सिमम, इसीलिए हम 60 के बिलो ही रख रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और मैं अभी बस्तन पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से करेंगे टाटा बाय बाय। देख इच्छा निकल गया इधर से, लेन हमेशा अच्छी तरह से लिया करो, ठीक है। बंदा नया है ना, ये भी घुसेगा, क्योंकि अभी देख इतना बड़ा वाला ये घुसेगा, ये कहाँ की है यार। आराम से चलो, कैसा रहा यार खाना तेरा? बेस्ट। चल अभी निकलते हैं। सोम गुलाब जामुन खाएगा? ना ना जामुन वामुन कुछ नहीं खाना है, जल्दी पहुँच यार, क्योंकि देख यार धूप अभी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, हम पहुँच लेते हैं वहाँ पे। चल क्या बोलते हैं, अरे यार सनसेट हो जाएंगे हमको, जल्द से जल्द निकलना है हमको ब्रह्म सरोवर। शायद हजारों साल पहले यहाँ पे रति महारथी रहते थे। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर की ओर, है कि नहीं? चल फटक से पहुँच लेते हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है। चल यहाँ दिन दिहाड़े मर्डर हुआ था इस गली में। अरे वो सब तो रहेंगे हर जगह, गैंग वॉर हुआ था यहाँ, दिन दिहाड़े गोली मरी थी बैंक को। पनोरामा के अपोजिट साइड में आ गए ना हम लोग। दिस इज लाइक, ये मतलब दूसरा घर जैसा ही है, बहुत साल गुजारा है हम लोगों ने। चलो जल्दी पहुँचाते हैं, फिर ठंड भी लग जाएगी तेरे को यार। अरे नहीं नहीं, 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 नहीं
टी शर्ट पहन के चलाया। कॉपीराइट आ सकता है, बंदा आ चुका है। ठंड तो लग रहा है यार। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं ब्रह्म सरोवर। चल, इनके साथ तो बहुत किस्सा जुड़ा हुआ है, महाभारत, महाभारत के साथ। आजा आजा। ब्रह्म सरोवर। सो हे गाइस, फाइनली इस वक्त हूँ ब्रह्म सरोवर। कम से कम 3 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। और मेन थिंग हो गया क्या, कोविड के चक्कर में 2 साल ऐसे फोकट में चले गए। तो बंदा है आयुष, पहले भी हम लोग आए थे। और वो वहाँ पे एक छोटा मोटा चीज़ लगा हुआ है, आसाम लिखा हुआ है, वो मैंने पहले आपको बताया थे। हाँ, मतलब गीता महोत्सव जब हुए थे ना, तो वहाँ पे मतलब शायद आसाम की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन था, उसी हिसाब से था। तो दिस इज़ द ब्रह्म सरोवर। और इसके बारे में मुझे क्या कहे, आप लोग देख लेना गूगल सर्च करके, कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल जाएंगे। लेकिन दिस इज़ टोटली रिलेटेड टू आर हिंदुइज्म। और महाभारत का युद्ध यहीं पे हुआ था। दिस इज़ द लैंड ऑफ महाभारत ना, कुरुक्षेत्र। तो कॉपीराइट हो सकता है, मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकूंगा क्योंकि हर तरफ साउंड वगैरह है। तो आप देख सकते हो, दिस इज़ द लैंड ऑफ दिस इज़ द लैंड ऑफ महाभारत। इसके बारे में क्या कहेगा? अरे एक्चुअली ब्रह्म सरोवर हम क्यों मानते हैं यार? ब्रह्म सरोवर यार ब्रह्मा का सरोवर है। ब्रह्मा है ना, जो लॉर्ड ब्रह्मा, हाँ, उनका सरोवर है ये। अच्छा, उनके नाम पे बनाया गया है ये। तो सब नेचुरली ब्रह्मा विष्णु महेश तीन त्रिदेव है ना। हाँ। तो उसमें जो ब्रह्मा है उनके नाम पे है ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर में इवनिंग टाइम में लोग यहाँ पे आते हैं, इस हिसाब से ये लोग जॉगिंग भी कर लेते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द होली प्लेस इन नॉर्थ इंडिया। तो साफ सुथरे का कुछ ख्याल रखा गया है गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन यार इतना भी है नहीं। बहुत सालों के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इवनिंग टाइम में यहाँ पर अगर आपकी मतलब इट्स फील्स लाइक क्या कहूँ, जब आप खुद आएंगे तभी कुछ ना कुछ तो आइडिया होंगे इसके बारे में। बाय बाय चले। ये स्कूटर ने हम लोगों को ना बहुत सहारा दिया है, बहुत, कॉलेज के टाइम से। अभी क्या करूँ यार, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी, सिचुएशन ऐसा होता है, हम बहुत टाइम लेके आते हैं यार, बहुत टाइम हम लोग के पास रहते हैं। एक टाइम था मतलब, तो एक किस्सा ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग के पास टाइम ही टाइम होते हैं, लेकिन उस टाइम ये नहीं रहता है। और जब ये रह जाता है आपके पास टाइम नहीं रहता, ऐसा बहुत किस्सा होते रहते हैं। तो एडिटिंग में भी बैठा हूँ, आयुष के घर पे हूँ, साइड कल यहाँ से निकल जाऊँगा, साला बंदा अपना मुँह लटका हुए बैठे हैं। तो जो भी हो, ये तो ज़माना ही है। मतलब इस ये रूम पूरा रिनोवेट हो गया। पहले इस रूम में ना हम लोग अलग से कॉलेज टाइम में जब मैं यहाँ पे थे, हाँ, ये पूरा छत होते थे, ये पूरा का पूरा प्लेन है, ये साइड में हम रहते थे, एक ही कमरा था, यहाँ पे साइकिल चलाते, खुशी का एक छोटा सा साइकिल था वो हम चलाते थे। और अभी यार क्या करें, अब कहाँ से कहाँ बंदा, दिस इज कॉल्ड, तो यही है बंदा। तो दिस इज़ कॉल्ड द अपग्रेडेशन। और सच में यार ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि खून के रिश्ते हमेशा, दिस इज़ नॉट, मतलब खून के रिश्ते ही सिर्फ रिश्ते हैं, ये नहीं होते। तो ऐसा ही किस्सा हम लोग के साथ में भी अभी तक झेल रहा हूँ, ठीक है, अभी तक यही चल रहा है, आगे भी झेलेंगे जो भी हो। तो कुछ दिन मैंने यहाँ पे बिताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो होपफुली इसके बाद कुछ नया प्लान्स है वगैरह, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो जैसे भी हो, एक छोटा मोटा जो कुछ भी किस्सा हम लोगों ने ये कुछ दिन में यहाँ पे जैसे बिताया था, वही किस्सा आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। एंड होपफुली यू विल एंजॉय इट। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर द लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आजकल मैं बोलना भूल ही गया हूँ इस हिसाब से, लेकिन फिर आज बोल देता हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दियो, सब्सक्राइब करके जाना बस, पबजी वाले प्लेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, एक नया प्लान बना रहा हूँ, उसी के हिसाब से आगे चलेंगे। ओके, बाय बाय।